अस्सलाम वालेकुम। ये टेबल मैपिंग हमें करनी है क्लोथ के ऊपर ना, तो पहले सिलेक्शन कर लेते हैं। ये कोई सिलेक्शन से मैंने सिलेक्शन कर लिया, और सिलेक्शन का इसको कंट्रोल जे से ये लेयर इसकी हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। कंट्रोल जे, ये हो गया डुप्लीकेट लेयर। और उसके बाद ये देखें अलग आ गई ट्रांसपेरेंट से, जो क्लोथ था वो अलग आ गया। ठीक है, तो यहाँ हम करेंगे मैपिंग इसके ऊपर। और थोड़ा थोड़ा सा ये गार्बेज पे आ गया, यानी कि इसको हम लास्ट टूल से डिलीट कर लेते हैं। ये लास्ट टूल सेलेक्ट किया और ये डिलीट कर लें, इसको आप सिलेक्शन करें और डिलीट कर लें। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमने डिलीट करने के बाद हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर एक और लेयर बनानी है मैपिंग की ना। ठीक है, अच्छा, देखिए सिलेक्शन आ गया, सिलेक्शन को सेव कर लेते हैं। सेव साइड, सेव सिलेक्शन, नाम कुछ भी दें, ये एम्प्टी छोड़ दें, ये सेव सिलेक्शन हो गया अल्फ़ा 1 के नाम से। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कहीं अगर ट्वीकिंग वगैरह करनी है आपने तो वो कर सकते हैं। अच्छा, पेन टूल से ज़रा ये कप को इसको हम वो कर लें फास्ट, थोड़ा सा सेलेक्ट कर लें पेन टूल से, और इसकी सिलेक्शन इसमें से माइनस कर देंगे। अभी जो हमने क्लोथ की सिलेक्शन की थी टोटल, उसको माइनस कर देंगे इस कप को भी, और जो साइड में जो एक मग आ रहा है इसको भी कर लेंगे हम। ठीक है, दोनों चीज़ें हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो पेन टूल से मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप किसी भी लासो से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पेन टूल से ही करें, तो जो आपको इजी लगता है सिलेक्शन में उससे आप सिलेक्शन कर लें। और उसके बाद दूसरा जो आइटम, इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। देन हम इसको माइनस कर देंगे अपने जो क्लोथ का सिलेक्शन उसमें से, तो वो मैंने ऑलरेडी सेव कर लिया था सेव सिलेक्शन में जाके। ठीक है, इसको भी जाके हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये लोड करवाया मैंने प्रीवियस वाला, और ये अल्फ़ा 1 के नाम से था, इसको सेव कर लिया, तो ये इसमें ऐड हो गया। ठीक है, खैर वो उसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम वर्क पाथ है, इसको हम सेव कर लें, डबल क्लिक करें और ये वर्क पाथ सेव हो जाएगा। और उसके बाद आप नया पाथ हम बना लेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ी सी इमेज चीज़ें माइनस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम दोबारा ले लेते हैं, इसको भी सेव कर लें, सेव सिलेक्शन। देन हम पेन टूल से जो साइट पे है इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं पेन टूल से। ठीक है, काफ़ी बेहतर है। तो ये पेन टूल ले लेते हैं और इसकी इसको सेव कर लें वर्क पाथ, पाथ 1 के नाम से, और अब नया पाथ बन जाएगा। ठीक है, और ये अच्छा, ये भी किसी भी लैसो से कर लें, किसी भी चीज़ से कर लें, तो मुझे पेन से थोड़ा आसान लगता है, कर्व अगर अच्छा आ जाता है तो मैंने पेन से इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो आपकी मर्ज़ी, आप जिससे चाहे कर लें, परफेक्शन आती है, पाथ सेव हो जाता है। ठीक है, इसको भी लोड कर लेते हैं, पहले सेव कर लें वर्क पाथ को, देन इसको कंट्रोल एंटर से उसको वो कर लें। ठीक है, ये लोड कर लिया हमने प्रीवियस वाली, और ये कंट्रोल एंटर किया तो ये भी इसके साथ लोड हो गया। ठीक है, अब इसको मास्क कर लेते हैं। ठीक है, सेव सिलेक्शन कर लें पहले, देन इसको जाके हमें, ठीक है, यहाँ एक लेयर हमने ये पैटर्न के लिए बना लिया, पैटर्न ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया हुआ था। अब ये पैटर्न का साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो इसको यहाँ से साइज़ छोटा कर लेते हैं। ठीक है, जो भी हमारा लगता है बेहतर, तो थोड़ा सा इसको माइनस कर लें। ठीक है, ये थोड़ा बेहतर लग रहा है, नहीं ज़्यादा होगी ये, हाँ चले ओके, ये कर लेते हैं, इसको स्नैप कर लें, चले ये ज़्यादा अच्छा हो गया। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके कर लेते हैं, लेट्स गेट अप्स, बेहतर है। ठीक है, थिंक ये थोड़ा ज़्यादा, जब तक आप सेटिस्फाई ना हो उसको, देखिए यहाँ ये लाइंस आ रही है ना, जहाँ ये कर्व है, तो यहाँ लाइन को रखते हैं, अब बेहतर लग रहा है, चलें। ठीक है, अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लें। इसके नीचे हम एक और लेयर भी लगाएंगे कलर की ना, तो अभी ये प्रीवियस वाला जो पुराना वाला उसका पैटर्न है वो भी आ रहा है, तो इसको तो छुपाना है हमने, वो नज़र नहीं आना चाहिए। तो जहाँ यहाँ देख लेते हैं, जहाँ बेहतर लग रहा है, हमारा टेक्चर नज़र आ रहा है, देन उसके नीचे एक और लेयर बना के हम और उसको मास्क कर लेंगे, और उसमें सॉलिड कलर बना लगा लेते हैं। सॉलिड कलर कलर की ले ली, और इसमें हम मास्क कर लें इसको, और
मास करने के बाद ठीक है ये सॉल्व कर, मास पहले कर लेते हैं, ये हमारी ठीक है ये कलर बेहतर है। ओके चले जी ये कलर आ गया, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं ताकि रिजल्ट थोड़ा अच्छा आ जाए। और देखिए प्रीवियस वाला जो हमारा पैटर्न था ओरिजिनल वाला वो तो छुप गया, ठीक है स्टेप भी छुप गए इसकी, और ये हमारा पैटर्न हमारा है तो ये कहाँ बेहतर लग रहा है इसको देख लेते हैं। नॉर्मल में भी सही है, नीचे मल्टीप्लाई में देखें तो जहाँ जब डिपेंड करता है आपका किस तरह का पैटर्न है, कौन सा कलर है और पीछे जो बैकग्राउंड है वो कैसे किस तरह का है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा देन वो नज़र आएगा आपको। शिफ्ट प्लस से भी आप कर सकते हैं अप डाउन, ठीक है ये देखें बेहतर हो गया, ये ओरिजिनल था और ये हमने पैटर्न ऊपर इसके लगाया और नीचे कलर ले लगा दी, ठीक है बेहतर हो गया। ठीक है शिफ्ट प्लस और शिफ्ट माइनस से आप जो मल्टीप्लाई के ऑब्जेक्ट ऑप्शन है वो चेंज कर सकते हैं ये, ठीक है। और नए वर्जन में 2021 में, पुराने वर्जन में नहीं होगा, पुराने में आपको इसी तरह ड्रॉप डाउन भी जाना पड़ेगा, ठीक है तो नए वर्जन में आप प्लस शिफ्ट प्लस और शिफ्ट माइनस से कर सकते हैं। ठीक है अब इसका जो हमने ग्लास था इसको ज़रा ऐड कर लें इसके साथ, ठीक है ये ठीक है जी, ये लेयर हमने ऑन कर दी नीचे वाली, और अब ये ग्लास पे इसका ये कफ्स वगैरह आ गए, ठीक है अच्छा इस पर भी थोड़ा सा हमें काम करने की ज़रूरत है, यहाँ देखें तो शेडो आ रहा है इसका ना, तो अब हमने जो किया है उसमें शेडो नहीं है तो इसको शेडो पे कुछ काम कर लेते हैं। ये सिलेक्शन कर लिए, ये देखें पाथ मौजूद था अलग से हमने इसको जो वो सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है ये सिलेक्ट हो गया दोनों के पास सेलेक्ट हो गया, सिलेक्शन होगी दोनों की, ठीक है एक ठीक है थोड़ा सा इसको यहाँ से भी बैलेंस कर लें, ठीक है ह्यू पे जाके थोड़ा सा इसको कलर वगैरह बैलेंस करें इसको, ठीक है जी ये बेहतर लग रहा है ह्यू सैचुरेशन से जाके, ठीक है ना कलराइज मैंने ऑन किया, ठीक है ठीक है कलराइज ऑन कर लीजिएगा अगर आपको सीपीए टोन में चाहिए ना, तो सिंगल कलर में आ जाएगा आपका तो वो इफेक्ट ज़रा बेहतर हो जाएगा, ठीक है ये देखें अब थोड़ा बेहतर हो गया। और देन हम मल्टीप्लाई प्रोसेस को देख लें और नो हाँ ये स्ट्रिप्स नज़र नहीं आना चाहिए ना, हमारी बैक की जो स्ट्रिप्स आ रही हैं ये छुप जाए, आई थिंक नॉर्मल में सही है ये, ठीक है देखिए ओरिजिनल था हमारा। अच्छा जी इसको दोबारा सिलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है अब ये कर्व्स हमारा सिलेक्शन हो गया, इसको आप देते हैं थोड़ा सा हम शेडो, ड्रॉप शेडो हमने देना है, एक लेयर बना लेते हैं, ठीक है एम्प्टी लेयर, और देखिए यहाँ मैंने कलर फिल कर लिया इसके अंदर, अब इसको शेडो दे देंगे, ठीक है ये शेडो पे आ जाएं, ठीक है और ये हम शेडो चेक कर लें, जो कलर आप ब्लैक रख दें आप कलर चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है अच्छा ये हो गया, ठीक है यहाँ तो थोड़ा सा इसको एंगल चेंज करना है इसका, ओपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है कम कर लें ओपेसिटी, और थोड़ा सा कम करते हैं इसको साइज़ इसका ओपेसिटी और कम कर लें तो ठीक है बेहतर है। ओके चलें इसके फिल में जाके इसको ज़ीरो कर दें फिल, तो क्या होगा शेडो मौजूद रहेगा क्या कलर ख़त्म हो जाएगा, जो हमने लेयर पे कलर लिया था वो ख़त्म हो गया
और सिर्फ शेडो आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा अब शेडो यहाँ नज़र नहीं आ रहा, इसको ऊपर ले आते हैं सी, ठीक है। इसका फिल देखिए हमने ज़ीरो कर दिया था, ओपेसिटी नहीं किया, ओपेसिटी करते तो क्या होता आपका शेडो भी ज़ीरो हो जाता। तो फिल ज़ीरो करने से आपका जो कलर फिल किया था वो तो ज़ीरो हो गया मगर शेडो मौजूद है, ठीक है। तो ये फिल ओपेसिटी में ये फ़र्क है, ठीक है। अब ये देख लें, ये अब हमारी फाइनल प्रोडक्ट आ गई है तकरीबन, मगर इसमें थोड़ा सा और काम बाकी है। अच्छा ये हमने ये छोड़ दिया था, इसको ज़रा जल्दी से इसको भी मास्क कर दें, इसको मास्क करना होगा जो कप के अंदर का एरिया है ना इसके, ठीक है। इसको वही पेन टूल से कर लें या आप लासो से कर लें, सब टू यू, ठीक है। कुछ लोग मैग्नेटिक से करेंगे, कुछ डिपेंड करता है जिसको जिससे आपको आसानी हो। ठीक है कंट्रोल एंटर कर लेंगे, सिलेक्शन बन जाएगी, सिलेक्शन बन गई। अब इसको मास्क पे जाएं, मास्क को हिट करें, दैन इसमें ब्लैक फिल कर दें, ठीक है। ये ब्लैक आ गया, अल्ट्रा ब्लैक स्पेस, ठीक है, ब्लैक फिल हो गया और आपका ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब देखिए जो लाइट आ रही है वो हमारा जो जो कपड़ा जो लटक रहा है नीचे की तरफ उसको थोड़ा सा हम डार्क कर लें। ये देखिए ये बिल्कुल फ्लैट लग रहा है ना। अच्छा ये ऊपर कप भी थोड़ा थोड़ा सा नहीं, मास्क में मसला है, इसको सही कर लेते हैं मास्क में, इसको ब्लैक कर लें, फिर मास्क को हिट करें, ब्लैक फिल कर दें तो ये मास्किंग इसकी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। तो ब्रश थोड़ा सा बढ़ा लें, ठीक है। तो ये मैं लास्ट से कह रहा हूँ उसको सिलेक्शन, ठीक है, इसका मास्क सेलेक्ट है, इसमें मैं ब्लैक फिल कर लूँगा, सॉरी इसको मैं लेयर सेलेक्ट वाली करनी है, ठीक है, कलर वाली। उसमें देखें कलर फिल कर दिया मैंने ब्लैक और ये छुप गया आपका, ठीक है। ब्रश से कर लेंगे आप अप्लाई, ब्लैक फिल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बेहतर हो गया। अब सिर्फ ये जो कपड़ा नीचे की तरफ आ रहा है इसको सही करना है, ठीक है। ये देख लें ओरिजिनल था, उसके बाद हमने ये एक लेयर लगाई कलर की, देन पैटर्न लगाया, ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा अब इसमें और भी चीज़ें करनी है, कब हमारा था, ठीक है, शेडो जो हमने लिया है। अच्छा इसको ज़रा सिलेक्शन करके इसको माइनस करना है, जो ये वुडन एरिया आ रहा है ना इसको ज़रा कर लें हम सही, ये भी सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अब यहाँ मैं लासो से कर रहा हूँ क्योंकि लीनियर है, अगर कर्व होता तो मैं फिर जाता पैन टूल पे, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस किस पे, मुझे लासो पे भी प्रैक्टिस है और पैन पे भी प्रैक्टिस है, तो जहाँ मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ पर इसको यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा इसको ये देखिए, ठीक है, इसको हमने मास्क कर दिया, गेजू जो हमने इसका लगाया था ह्यू सेचुरेशन उस पर भी आ रहा था वुड पे ना, तो उसको हमने मास्क कर दिया ह्यू सेचुरेशन को, तो वहाँ से वो रिमूव हो गया ह्यू सेचुरेशन, ठीक है, वुड पे से, तब क्लियर हो गया ना, ओरिजिनल आ गया प्रीवियस वन जो ओरिजिनल था उसका, ठीक है। अब काम करना है इसके ज़रा हमें शेडो के ऊपर, तो ये थोड़ा देखते हैं। अच्छा इसको अब देख लेते हैं, एक लेयर बना लेते हैं एक्स्ट्रा इसके ऊपर, हमने थोड़ा सा इसको डार्क कर देंगे एरिया को, ये लेयर बना लेते हैं और सिलेक्शन कर लें, ठीक है, कंट्रोल प्रेस करें उसको हिट कर दें तो आपका जो ये पैटर्न है सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया अल्फ़ा जो था उसको कंट्रोल प्रेस कर हिट किया तो जो सिलेक्शन थी वाइट की वो हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर ब्लैक ज़रा ब्रश से हम इसको अप्लाई कर देते हैं ब्लैक कलर ना, तो साइज थोड़ा इंक्रीज कर लें, तो ब्लैक कलर यहाँ करते हैं अप्लाई, ठीक है, एक स्मूथ वे में ना ब्रश से हम
आउटर बैक स्पेस भी कर सकते हैं, मगर थोड़ा सा मैं ऐसे ब्रश से कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर लेंगे, ठीक है। इसको भी देखते हैं, फिर मल्टीप्लाई, ये एक शिफ्ट प्रेस करके आप करेंगे ना तो स्ट्रेट आ गई है। पहला पॉइंट लगाएं, देन शिफ्ट प्रेस करें, आखिरी पॉइंट लगाएं तो स्ट्रेट आने जाएगी आपकी, ठीक है। तो नीचे वाले तो डायरेक्ट कर लें वैसे ही, ठीक है। अच्छा, अब लग रहा है थोड़ा सा चेंज, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, देन थोड़ी ओपेसिटी कम कर लेंगे इसकी तो ये बेहतर हो जाएगा। आई थिंक ऊपर वाले बेहतर है, ये नीचे देख चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसकी ओपेसिटी कम कर लेते हैं, ठीक है, ये कुछ बेहतर है, ठीक है। वो डिपेंड कर रहा था किस तरह का डिज़ाइन है आपका, आप यहाँ पर देखें ये इस तरह था और ये इस तरह हो गया, ठीक। तो ये आपका प्रोजेक्ट हो गया कंप्लीट, और इजीली आपने इसको अपना टेक्सचर इसके ऊपर मैप पे लगा दिया, मैपिंग कर दी इसके ऊपर। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।